SEO कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आपको सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, तो ये किलर टिप्स आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दे रही है जो मल्टीपल ब्रांड्स के लिए SEO की सर्विसेज प्रोवाइड करती है मल्टीपल कंट्रीज में। तो ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के तरीके अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आप भी अपनी वेबसाइट को फास्ट रैंक कर पाएंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज और कोर्सेज मिस ना हो। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम आप लोगों के लिए एक महाबंडल करके कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 50 से भी ज़्यादा नए स्किल्ड कोर्सेज हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर SEO। अगर आप कोई वेबसाइट ओनर है या आप SEO सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। अगर आप ईमेल के लिए कंटेंट लिखते हो, वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, किसी भी कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए जिससे कि आप बेटर रिजल्ट गेन कर सको, आपकी वेबसाइट रैंक कर सके, आपका कंटेंट रैंक कर सके और गूगल आपके कंटेंट को वैल्यू दे। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टिप्स जिसकी हेल्प से आप बेस्ट कंटेंट लिख कर उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप टिप्स जानते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन में यूज के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है यहाँ पे आपको ऐसे प्रोसेस से जहाँ पे आपको अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, रिफाइनिंग करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो बहुत यूजर फ्रेंडली हो और आपकी वेबसाइट का रिजल्ट या कंटेंट वो इजिली क्रॉल हो सके और विजिबल हो सके सर्च इंजन पे। तो जो प्राइमरी गोल होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में वो होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे आपको फोकस करना है और उसकी रेलिवेंसी पे फोकस करना है जिससे कि जो भी टारगेट ऑडियंस है या जो भी कस्टमर इंटेंट है आपको उसके रिगार्डिंग कंटेंट लिखना है जिससे कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके और सर्च इंजन रैंकिंग पे और आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपका रैंक हो सके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर होगी तो आपका लाइक है ना 50% काम आपका इजी हो जाएगा SEO में। अगर आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स समझकर जो यूजर का इंटेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर आपने कीवर्ड फोकस किया और कंटेंट लिखा तो आपका कंटेंट एक बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट माना जाएगा। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो मेक श्योर इन द बिगिनिंग आपको लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड फोकस करने हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको फोकस करने हैं जिससे कि आपकी रैंकिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी इन द बिगिनिंग। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना है जो आपके कंटेंट के रेलिवेंट हो और उसके साथ साथ यूजर को भी सेटिस्फाई करते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो कंटेंट आपका इनडेप्थ होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए और जिससे कि यूजर को आपका कंटेंट समझने में इजी हो और आपका जो कंटेंट है वो इनडेप्थ होने के साथ साथ इजी टू रीड हो और इजी टू अंडरस्टूड हो जिससे कि आपका ब्लॉग या कंटेंट है वो कस्टमर को इजीली उसके वेरियस एस्पेक्ट समझ में आने चाहिए और आपको प्रॉपर इमेज और प्रॉपर अगर आपको लगता है वीडियो है आप प्रोवाइड करा सकते हैं तो वीडियो भी आपको एड ऑन करना होगा जिससे कि आपको है ना प्रॉपर इनडेप्थ कंटेंट लिखना है और एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है जिससे कि अगर आपका क्वालिटी कंटेंट हाई होगा, आपकी कंटेंट की क्वालिटी हाई होगी तो आप बहुत अच्छे से रैंक कर सकते हैं और यूजर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा देर तक स्टे करेगा और यूजर ऑन एवरेज जितना टाइम स्पेंड करेगा आपके वेब पेज पे उतना आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि आपको आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा कंटेंट है और गूगल को सिग्नल जाएगा कि देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वेबसाइट कंटेंट, तो गूगल उस कंटेंट को रैंक प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कीवर्ड प्लेसमेंट।
तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बाद कीवर्ड प्लेसमेंट पे भी ध्यान देना होगा। आपका कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर आपका जो प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट है वो आपका टाइटल में हो, मेन टाइटल में हो, यूआरएल में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, हेडिंग टैग्स में हो, कंक्लूजन में हो, और जहां भी आपको लगता है कि आपको यूज करना चाहिए अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड आपको यूज करने हैं, जिससे कि आपका जो कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन है लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्लेसमेंट करना है, उसके साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपको कीवर्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग कंटेंट में कीवर्ड्स को प्लेस करना है, जिससे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा और आपका कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी आप मेन टाइटल लिखते हो किसी भी ब्लॉग, वेब पेज का, आर्टिकल का, तो मेक श्योर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए और वो नेचुरल दिखना चाहिए। जो भी आप टाइटल लिख रहे हो मेक श्योर वो आपका मेन कीवर्ड ऐड हो और उसमें नेचुरल वे में वो दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसमें प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको ज्यादा लेंथी टाइटल लिखना अवॉइड करना होगा। आपका जो मेन कीवर्ड है या जो मेन सीटी है, कॉल टू एक्शन है, वो आपका टाइटल में ऐड होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एसईओ टिप्स बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी इज अ टाइटल ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ टाइप ऑफ कीवर्ड एसईओ टिप्स। तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड था वो है हमारा एसईओ टिप्स। तो हमने किस तरह यूज किया है इसको टाइटल में, एसईओ टिप्स बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी। तो ये एक प्रॉपर टाइटल बन गया, यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड है वो भी कवर हो रहा है और यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको ये टिप्स एसईओ के फॉलो करने होंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेब पेज का टाइटल, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो एसईआरपी पे आपका जो कंटेंट दिखता है यूजर को टाइटल के नीचे, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मेक श्योर जो भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपका कीवर्ड इंक्लूड होगा तो वो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट माना जाएगा, गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि और रेलिवेंसी भी प्रॉपर बैठेगी कि टाइटल में भी वही कीवर्ड है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वही कीवर्ड है। तो कीवर्ड रेलिवेंसी आप मेंटेन करके चल रहे हैं, जितना आप कीवर्ड रेलिवेंसी मेंटेन करके चलोगे टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, उतना आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली और एसईओ ऑप्टिमाइज माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेडिंग, हेडर टैग्स या हेडिंग टैग्स। तो जनरली देयर आर सिक्स टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप कोई वेब पेज पे हेडिंग टैग्स लिखते हैं तो H1 टैग बन होता है, उसके अलावा H2, H3, H4, H5, H6 आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो आपको जब कंटेंट बना रहे हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका जो H1 टाइटल है वो प्रॉपरली यूज हुआ हो और एक से ज्यादा बार H1 ना हो, और जितने भी H2, H3 हैं उसमें आपके मेन कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि आपका कंटेंट और जो हेडिंग टैग है या सब हेडिंग है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होंगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अगर आप हेडिंग टैग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो। अगर आप हेडिंग टैग्स प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो आपके कंटेंट का जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल है वो नेक्स्ट लेवल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। अगर आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो बट अगर आपका जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो वो उतना यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ेगा। तो आपको ये याद रखना है जो भी आप वेबसाइट या कंटेंट बना रहे हो वो प्रॉपर मोबाइल स्क्रीन पे भी विजुअल हो, रीडेबल हो और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देता हो। अगर आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके यूजर एंगेजमेंट बहुत अच्छा होगा और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, जिससे कि क्या होगा कि आपकी वेबसाइट को गूगल प्रेफर करेगा रैंकिंग में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पेज स्पीड। तो अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना भी अच्छा हो बट अगर आपकी वेबसाइट देर से खुल रही है, लोडिंग टाइम काफी ज्यादा है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड
ज्यादा होगा, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो यो यूजर की एक्सपीरियंस को खराब करेगा और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट काफी बढ़ जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड टाइम बहुत ज्यादा है, आपकी वेबसाइट बहुत देर से खुल रही है, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होगा तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो आपको ये कैसे आप चेक करोगे, तो ये आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स पे जाके आप किसी भी वेबसाइट का लोडिंग पेज स्पीड देख सकते हो और मोबाइल पे उसकी लोडिंग स्पीड क्या है और डेस्कटॉप पे क्या है और क्या रीजन है जिस वजह से आपकी लोडिंग स्पीड या वेबसाइट देरी से खुल रही है। तो आपको अगर वेबसाइट देरी से खुल रही है तो मेक श्योर आपको इमेज कंप्रेस करने पड़ेंगे, जो भी आपने इमेज यूज की है अपने कंटेंट में तो उसको आपको कंप्रेस करना होगा, जिससे कि अगर आप कंप्रेस कर पाते तो अप टू 30% आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट का एवरेज टाइम तो बढ़ाता है, उसके साथ साथ यूजर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, नेविगेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है और यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर स्टे करता है। तो आप मेक श्योर आप जब भी ब्लॉग लिखें तो उसको इंटरनल लिंक करें। इंटरनल लिंकिंग का यहाँ पे मतलब है कि आपने एक ब्लॉग लिखा और उस दूसरे ब्लॉग को आपकी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग को कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के ऊपर आपने एक ब्लॉग लिखा और आपने एक दूसरा ब्लॉग लिखा एसईओ टिप्स के बारे में, तो आपको एसईओ टिप्स और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स को इंटरलिंक करना होगा। अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हो प्रॉपर तो आपकी वेबसाइट में यूजर ज्यादा देर तक स्टे करेगा और आपकी जो रेलिवेंसी होगी कंटेंट की वो काफी ज्यादा हाई होगी और यूजर आपकी वेबसाइट को ज्यादा इंगेज करेगा और आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बहुत कम होगा और एवरेज टाइम है वो काफी अच्छा होगा। तो आपको इंटरनल लिंकिंग जरूर करनी है चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट हाई क्वालिटी रखना चाहते हो और ट्रस्ट वर्दी कंटेंट रखना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी देनी होगी। अगर आपको स्टैटिकल डाटा या फैक्टुअल डाटा अपने कंटेंट में शो कर रहे हो और यूजर को सेटिस्फाई करना चाहते हो कि जो आप फैक्ट यूज कर रहे हो या कंटेंट ले रहे हो तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, तो वो आपको मेंशन करना होगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की ट्रस्टबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेक श्योर आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है, जिससे कि गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि इस ब्लॉग इस कंटेंट में और भी वेबसाइट को लिंक दिया गया है तो जरूर ये एक अच्छा कंटेंट होगा। तो आप भी एक्सटर्नल लिंकिंग जरूर करिए अगर आपको लगता है और रेलिवेंट होना चाहिए आपका जो एक्सटर्नल लिंक है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्टिमाइजिंग इमेज। तो आपको प्रॉपर इमेज को ऑप्टिमाइज भी करना है, कंप्रेस करना है और ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका इमेज साइज बड़ा है तो आपको यहाँ पे कंप्रेस करना होगा इमेज, और मेक श्योर आप अगर कंप्रेस कर रहे हो इमेज तो इमेज की क्वालिटी में कोई इशू ना हो, इमेज की क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। आपको प्रॉपर इमेज हाई क्वालिटी यूज करना है विद प्रॉपर अंडर जो भी इमेज का रिक्वायर्ड साइज है उस साइज के अंडर, और आपको प्रॉपर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है विद प्रॉपर ऑल टैग लिखना है, बैकएंड नेम लिखना है इमेज का, जिससे कि गूगल उस इमेज को रिकॉग्नाइज कर सके और आपका जो इमेज है वो अच्छे से रैंक हो सके कंटेंट के साथ। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूज स्कीमा मार्कअप। अगर आप अपनी वेबसाइट को PAA पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन में अपने वेबसाइट के कंटेंट को रैंक कराना चाहते हो तो आप अपना वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप का यूज करिए। तो स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट को बहुत अलग लेवल पे रैंक करने की पॉसिबिलिटी करेगा स्निपेट्स वाले सेक्शन में और पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन में। तो अगर आप स्कीमा मार्कअप जरूर यूज करिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेगुलर अपडेट्स। तो यहाँ पे आपको अपडेट्स भी रेगुलर देने हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट आउटडेटेड हो रहा है तो आप उसको रीराइट करिए या उसमें एड ऑन करिए। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड्स फॉर 2020, आर्टिकल आपका अगर पुराना है तो जो भी न्यू ईयर आ रही है जो प्रेजेंट टाइम में क्या ट्रेंड्स अपडेट हुए हैं सोशल मीडिया में वो आपको एड ऑन करना है। तो आपको रेगुलरली अपने कंटेंट को अपडेट करना है, जिससे कि आपका कंटेंट आउटडेटेड ना हो और यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा स्टे करे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंगेजमेंट आपकी वेबसाइट को मिले।
जितना इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएट करना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कंटेंट को शेयर करना। तो आपको अपने सोशल मीडिया आइकन्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को शेयर भी करना है, और मेक श्योर अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स का भी यूज करना है, जिससे कि यूजर, हो सकता है अगर आपका कंटेंट काफी अच्छा हो तो यूजर आपके कंटेंट को शेयर भी कर सकता है, आपके कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर और कमेंट भी कर सकता है। तो आपको रेगुलरली अपने सोशल मीडिया पे भी कंटेंट को प्लेसमेंट करना है और शेयर करना है। किसी वेबसाइट का अगर लेआउट अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस अगर आपने अपनी वेबसाइट का अच्छा कर दिया और आपका नेविगेशन अच्छा है, तो यूजर काफी देर तक आपकी वेबसाइट पर रुकेगा, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट का नेविगेशन है वो काफी यूजर फ्रेंडली होगा। आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज, पेज और जो भी चीजें वो आपको कैटेगराइज वे में दिखाने, जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि यूजर को कोई भी दिक्कत ना हो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को फाइंड आउट करने में। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है SSL सिक्योर सर्टिफिकेट। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो मेक श्योर अपनी वेबसाइट पे आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करिए, बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है और कंटेंट कितना भी अच्छा है तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में प्रेफरेंस नहीं देगा, बिकॉज गूगल कभी नहीं चाहेगा कि यूजर का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो। तो आपको अगर वेबसाइट आपकी सिक्योर नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उस पे अप्लाई करिए, इंस्टॉल करिए, अपनी वेबसाइट को सिक्योर करिए। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी तो गूगल सिक्योर वेबसाइट को प्रिफर करता है रैंकिंग में। और अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जो लोकल लेवल पे हो, लाइक मैप में आप इंडिकेट कर सकते हो, या आपका कोई स्टोर है या शॉप है, तो आप उसका लोकल SEO भी आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, शिकागोज बेस्ट बेकरी, या आपका कोई बेकरी की शॉप है, तो आपको उस कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना होगा अपने गूगल माई बिजनेस पेज को, और मैप पे जाके आपको लोकेट करना होगा, आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर आपका कोई बिजनेस है जो लोकल हो सकता है, या ऐसा कोई बिजनेस है जो लोकल लेवल पे भी आप रन कर रहे हो, या फिजिकल स्टोर हो या लोकेशन हो, तो आप उसका लोकल SEO भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मॉनिटर परफॉर्मेंस। अगर आप कितना भी अच्छा काम करते हो, जब तक आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है और आप कैसा काम कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो आप गूगल एनालिटिक्स की मदद से अपने वेबसाइट का जो ट्रैफिक आ रहा है, यूजर कहाँ से एंगेज हो रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से एंगेज हो रहा है, किस कंट्री से एंगेज हो रहा है, किस टाइप का यूजर की डेमोग्राफी है, ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स से। तो आपको रेगुलरली अपने वर्क को मॉनिटर करना होगा, परफॉर्मेंस, जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे आप जो काम कर रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, वो प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपको रेगुलरली मॉनिटर करने हैं अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को और वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। तो मेक श्योर आप अगर जो भी कंटेंट लिख रहे हो, आपका कंटेंट प्रॉपरली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो, आपका कंटेंट इंडेक्स होके मोबाइल पे प्रॉपर दिखना चाहिए, और जिससे कि यूजर का जो मोबाइल यूजर है उसका एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल होगा, जिससे कि आपकी बूस्ट मिलेगी मोबाइल सर्च रैंकिंग में, गूगल आपकी वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा मोबाइल डिवाइस पे रैंक करने में। तो आपको मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का याद ध्यान रखना है, आपके कंटेंट को मोबाइल एक्सपीरियंस वे में बनाना है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है जो मोबाइल पे भी प्रॉपरली बहुत अच्छे से वर्क कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंटेंट प्रमोशन। जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करोगे उससे ज्यादा आपको प्रमोशन की नीड है। तो मेक श्योर अगर आप 20% कंटेंट या कोई भी कंटेंट बनाते हो, तो उसको 20% फोकस करिए बनाने में, और 80% आपको फोकस करना है कंटेंट का प्रमोशन। आपका कंटेंट का प्रमोशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका कंटेंट, और ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट बिजनेस के बारे में जानेगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे इंगेज होगा। तो आपको ये सारी चीजों का याद ध्यान रखना है, जिससे कि आपका कंटेंट एक हाई क्वालिटी होगा और SEO फ्रेंडली कंटेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा यूजर को इंगेज करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो अपनी वेबसाइट, ब्लॉग और आर्टिकल के लिए या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। ये सारी चीजें आपको
पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट काफी जल्दी रैंक होगा, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक कीजिएगा और आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।